उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बीते दिन यूपी एटीएस ने दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है और कहा यह जा रहा है कि एक बड़ी साजिश का खुलासा किया गया है। अब आतंकियों के इस मॉड्यूल को लेकर तमाम नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अलकायदा के इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में पता चला है कि ये सिर्फ 3,000 रुपए में प्रेशर कुकर बम तैयार कर रहे थे। जिस नसीरुद्दीन उर्फ मुशीर को पकड़ा गया है वह रिक्शे की बैटरी के जरिए बम बनाने की तैयारी में था। लखनऊ से जिन दो संदिग्धों को पकड़ा गया है उनसे पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश के 4 अन्य जिलों में भी यूपी एटीएस स्थानीय पुलिस छापेमारी कर चुकी है। अभी तक कानपुर से भी 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जबकि संभल में एक युवक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अलकायदा के ये दोनों संदिग्ध आतंकवादी डीआईवी मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने पैसों से खरीद कर बम बनाया और उनकी कोशिश थी कि ई रिक्शा में इस्तेमाल होने वाली बैटरी से भी एक बम तैयार किया जाए। अब इस मामले में संदिग्ध आतंकवादी की पत्नी का बयान भी सामने आया है। पत्नी सईदा ने आज तक चैनल से बात करते हुए कहा कि एटीएस कमांडो की टीम उनके घर आई थी और रेड की गई। घर में एक प्रेशर कुकर था जिसमें वो खाना बनाती थी, उसी को ये टीम लेकर के चली गई और अब इस प्रेशर कुकर को बम बताया जा रहा है। सईदा की माने तो उससे मडियाव थाने में करीब 45 मिनट तक पूछताछ भी की गई जिसके बाद उसके परिवार को वापस घर भेज दिया गया था लेकिन नसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। नसीरुद्दीन के घर उसकी पत्नी सईदा, माँ शाहजहां बानो, बेटियां जैना, जोया और जेवा जबकि 1-4 साल का बेटा मुस्तकीम है। छोटी बेटी जेवा को सुगर है और वह दिन में 3 बार इंसुलिन भी लेती है। माँ शाहजहां बानो का भी कहना है कि उनका बेटा कभी इस तरह की चीजों में लिप्त नहीं था, उसे फंसाया जा रहा है। वही बेटी जैना का कहना है कि मोहल्ले में किसी से भी पूछो तो कोई उनके पिता के बारे में बुरा नहीं कहेगा। हालांकि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ एटीएस की जांच जारी है। अब इन संदिग्ध आतंकवादियों के आकाओं और इनके आगामी प्लान को लेकर के तहकीकात की जा रही है।